अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी सब्सक्राइबर जोहा कामरान की फरमाइश पर मैंगो डिलाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैरी बिस्किट के दो बड़े पैकेट लें और उन्हें पीस लें। आप कोई से भी अपनी पसंद के बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसे हुए बिस्किट एक डिश में निकाल कर उसे इवन कर दें। आप कोई से भी शेप की डिश ले सकते हैं। एक पाइनएप्पल टिन का डब्बा लें, उसमें से सिरप अलग कर लें। सिरप को बिस्किट के ऊपर डालें। और फिर उसे अच्छी तरह से प्रेस कर दें और उसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि बिस्किट सेट हो जाएं। चार पैकेट फ्रीज किए हुए क्रीम के ले लें, उसे अच्छी तरह से बीट करें। उसमें चार खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दें। मैंने चार चम्मच डाले हैं, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मीठा ज़्यादा भी कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क को और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सेट किए हुए बिस्किट पर आधे टिन के पाइनएप्पल उस पर डाल दें। पाइनएप्पल के ऊपर चार अदद बड़े आम काट कर डाल दें। मैंने 64 आम इस्तेमाल किए हैं। आम के ऊपर क्रीम का मिक्सचर स्प्रेड कर दें। बड़े आम का पेस्ट बना लें और उस पेस्ट से आपको जो भी डेकोरेशन करनी है, जिस स्टाइल से भी आपको डेकोरेट करना है, उसको डेकोरेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद आप उसे फ्रीज़र में चिल्ड करने के लिए रख दें 2 से 3 घंटे, ताकि आपका मैंगो डिलाइट एकदम चिल्ड हो। मैंगो डिलाइट तैयार है। उम्मीद है जोहा कामरान इसे इंजॉय करेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो भी कमेंट करें। Please subscribe to my channel Food Kush.